बच्चों, हमने पहाड़े भी सीख लिए। हमने देखा कि जो जर्ब है उसे बार बार जमा का अमल कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, वो जो पहाड़े हमने सीखे हैं, जो मिसालें हमने देखी हैं, अब हम उसको इबारती मिसालों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सवाल पढ़ो। पहले यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है। सवाल है कि एक बॉल यानी गेंद की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, नम्रा ने ऐसी 6 गेंदें खरीदी, तो बताइए नम्रा को दुकानदार को कितने पैसे देने होंगे। क्या सवाल है यहाँ पर कि हमारे पास एक बॉल निम्रा ने खरीदा, ये बॉल की कीमत कितनी है, 5 रुपये है। कितनी है, 5 रुपये। तो ये 5 रुपये के ऐसे कितने बॉल खरीदे उसने, 6 बॉल खरीदे। दो, तीन, चार, पाँच, 6 बॉल खरीदे। 5 रुपये वाले कितने बॉल खरीदे उसने, 6 बॉल खरीदे। तो अब उसे कितने पैसे देने होंगे, इमरा को कितने पैसे देने होंगे, 30 रुपये। कैसे किया तुमने ये, टेबल से पांच हाँ टेबल कैसे पढ़ा, टेबल कहाँ का, तो बहुत अच्छे है। तो तुम लोगों ने क्या किया, 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। बहुत सही जवाब है। हमने क्या करना है, यहाँ पर 5 का और 6 का जर्ब करना है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 5 जरब 6। का पारा 5 तक हाँ, 5 के 30। इसलिए निम्रा को कितने पैसे देने होंगे, 30 रुपए देने होंगे। है ना आसान, आया समझ, आया समझ में। चल ठीक है, दूसरी मिसाल क्या है, एक पेन की कीमत 7 रुपए है, जकी ने ऐसे 8 पेन खरीदे, तो बताइए जकी ने दुकानदार को कितने पैसे देने होंगे। हम देखते हैं पहले इस सवाल को। एक पेन है, ठीक है, समझो ये एक पेन है। कितनी कीमत है इसकी, 7 रुपए। कितनी है, 7 रुपए। ऐसे कितने पेन खरीदे तुमने, 8। 1 2 3 4 6 7 8 8 पेन खरीदे, तो बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे। 7 × 7 हाँ 7 × 2 14 हाँ 7 × 3 21 हाँ 7 × 6 28 7 × 5 30 7 × 6 42 42 7 × 3 49 49 28 7 × 8 56 56 बहुत अच्छे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 7 है उसको हम 8 तक गुना करेंगे, यानी 7 का हम पहाड़ा 8 आने तक पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें कीमत मालूम करने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारा 7 का पहाड़ा है उसे कहाँ तक पढ़ना होगा, 8 तक पढ़ना होगा। अगर समझो ये 8 की जगह 4 पेन होते तो तुम 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ते, 4 तक। अगर समझो निम्रा कि ये 8 की जगह 6 पेन होते तो तुम 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ते, 6 तक। 6 तक। बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पर 8 पेन है इसलिए हम 7 के पहाड़े को कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 तक। 7 × 8 = 56, यानी जकी को कितने पैसे देने होंगे, 56 रुपए देने होंगे। ठीक है।